करने का तरीका बताएंगे, हमने शेप को हमने चोज कैसे बनाना है। ये देखें बॉलपेन के साथ हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें फ्रेंड्स, ये परसोल का फ्रेम है, ये हाफ फ्रेम मेटल में हाफ फ्रेम। इसमें हम -25 और -25 के साथ 25 सिलेंडर वाइट सीआर हार्डकोर। ये देखिए ये प्लास्टिक में ये हार्डकोर हम ये परसोल फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। फ्रेंड्स ये देखें ये परसोल का फ्रेम है, इसकी शेप ये गोल है। अब हम इसकी जो शेप है हम चौरस बनाएंगे, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा हमने किस तरीके से इस गोल फ्रेम को हमने चौरस शेप बनाना है, ठीक है, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये देखिए हम इसका पैटर्न निकालेंगे पहले। ये देखिए हमने ये इसका पैटर्न निकाल दिया। देखिए फ्रेंड्स अब हम ये गोल शेप है, इसको हम चौरस करने का तरीका बताएंगे, हमने शेप को हमने चौरस कैसे बनाना है। ये देखें बॉलपेन के साथ हम क्या करेंगे, ये निशान लगाएंगे, ये गत्ते पे हमने ये निशान लगा लिया। ये देखें इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको हम चौरस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका ये अब ये गत्ता काटने का तरीका है, हमने इस तरीके से हमने गत्ते को काटना है। ये देखिए यहां से गोलाई जो है, ये गोलाई हम क्या करेंगे इसकी यहां से ये नोक ले लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स ये देखें यहां से गोलाई थी, अब हमने यहां से ये नोक ले लिए। पहले तो ये शेप, अब हमने यहां से हम चौरस कर लेंगे। अब हम ये लेफ्ट वाला शीशा काटेंगे, इसका एंगल है, ये एंगल के हिसाब से हमने शीशा काटना। ये अब हम ये राइट वाला ये शीशा काटेंगे। इस तरीके से हमने ये प्लास्टिक का शीशा काटना है, ये इसका तरीका है। इस तरीके से हमने फ्रेंड्स अब हमने दोनों शीशे काट लिए हैं। अब हम ये फ्रेम इस मेटल फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे, हमने किस तरीके से इसमें फिट करना है। फ्रेंड्स ये प्लास्टिक के शीशे हैं, इसमें हम इसके दरमियान में टेप भी लाजमी लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने दरमियान में इसकी टेप लगा लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अब हम ये देखिए शेप बनाने का तरीका बताएंगे। ये हाफ फ्रेम है, इसका जो हमने शीशा है बिल्कुल सीधा रगड़ना है।
ये देखें फ्रेंड्स, ये अब चौरस शेप हो गई है, ये और ये गुलाई में, ये चौरस में, ये शेप बनाने का तरीका है। ये हमारा लेफ्ट वाला शीशा बन गया है, अब हम इसके हिसाब से राइट वाला शीशा बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी दोनों शीप बन गई हैं, अब हम नाली लगाने का तरीका बताएंगे। हमने शीशे के अंदर नाली जो है हमने किस तरीके से लगानी है उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसमें फ्रेंड्स, अब हम नाली लगाने का तरीका बताएंगे, हमने किस तरीके से नाली शीशे के अंदर नाली लगानी है। इस तरीके से हमने प्लास्टिक शीशे में नाली लगाने का तरीका है। देखिए फ्रेंड्स, ये शीशे के अंदर नाली लगाने का तरीका है। हमने दोनों शीशों में नाली लगा ली है, अब हम बफ लगा के शीशा फिट करने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये देखें ये बफ लगाने का तरीका है। हमें इस तरीके से प्लास्टिक शीशे पे बफ लगानी है। ये देखें दोनों शीशों पे हमने बफ लगा लिया, अब हम फिट करने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये देखें हमने ये चौरस शेप बना ली है ये फ्रेम के हिसाब से, अब हम इसमें फिट करने का तरीका बताएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें ये डोरी इसकी है ज़ाहिर, इसको हम डोरी को निकाल लेंगे यहाँ से थोड़ी सी। ये देखें डोरी यहाँ से हम निकाल लेंगे थोड़ी सी, डोरी ये बड़ी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से हमने निकाल ली है, और थोड़ी सी यहाँ से ले लेंगे। शेप हमने शीशे की बड़ी करी है, हम थोड़ी सी डोरी अब यहाँ से बड़ी कर लेंगे। ये देखिए हमने कर ली है, अब हम फिट करने का तरीका बताएंगे हमने कैसे शीशे को फिट करना है इसमें। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा शीशा फिट हो गया, पहले थी गुलाई में शेप, अब हमने चौरस कर दिया। ये राइट वाला शीशा, इसको भी हमने ऐसे ही फिट करना है जैसे हमने लेफ्ट वाला किया। ये देखें ये हमने, ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी यानी तैयार है। ये देखें कहीं से भी खला नहीं है, बिल्कुल शीशा प्रॉपर फिट है। फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।